हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्रॉम होम विद रचना मैम। आवर टुडेज टॉपिक इज एलसीएम बेस्ड वर्क प्रॉब्लम। बच्चों, जैसा कि मैं आपको पुरानी वीडियो में भी इसके पहले जो वीडियो पढ़ा चुकी हूँ उसमें मैंने आपको बताया है एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, सब कुछ बताया ना। एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के मैंने आपको दोनों मेथड भी बताए हुए हैं। आज हम देखेंगे कि एलसीएम को हम कैसे अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में, यानी कि उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हम देखेंगे एलसीएम में। और आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन लेवल में तो आते ही इवन टेट और सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बगल में बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो पहले आप इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी अरेन्ज इन 24, 36, 48 इन ईच रो। यानी कि वो लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इसमें हमें बताने हैं, ऐसे नंबर ऑफ सोल्जर्स बताने हैं जिन्हें हम अरेंज कर सकें 24 में भी, 36 में भी और 48 करके हर एक रो में, ठीक है। तो ऐसा हमें बताना है, तो ऐसा बताने के लिए तभी तो हो सकता है। मान लीजिए अगर 24 लेंगे तो उसमें 36 नहीं अरेंज हो पाएंगे, 48 नहीं अरेंज हो पाएंगे, है ना, क्योंकि 24 का मल्टीपल ये दोनों नहीं है। 36 लेंगे तो ना ही 24 आएगा ना ही 48 आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है, हम इसके मल्टीपल लेने पड़ेंगे तभी तो इसको हम उसमें अरेंज कर सकते हैं, है ना। और मल्टीपल लेने के लिए, और मल्टीपल लेना है और तीनों को अरेंज करना है, तो इसलिए कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट, तो हम समझ गए हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट भी कहते हैं और लोवेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम फाइंड करेंगे, 24, 36 एंड 48 का, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत से मेथड आपको बताए हैं, लेकिन जो मैंने आपको कॉमन डिवीजन मेथड बताया है वो मेथड सबसे इजी होता है और सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारा टाइम को लॉस नहीं करता, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे उसी मेथड से, कॉमन डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया है ना, उसी मेथड से। चलिए देखिए, यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 1 2 2 2 4। यहाँ पर करेंगे ये 2 1 बार में जाएगा, 2 1 2, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 1 और 6 हमारा कितना हो गया, 16, 2 8 16। अगर आपको नहीं समझ में आता इस तरह से डायरेक्ट, तो आप यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 2 को मैंने 36 से डिवाइड किया, तो यहाँ 2 1 2, तो ये 1 मैंने यहाँ पर क्वोशेंट वाला लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 बचा और 6 16 हो गया, यही मैंने यहाँ बोला ना कि 1 बचा और 1 6 16 हो गया, तो 2 8 16, तो यहाँ पर मैंने यहाँ 8 लिखा है ना, तो यहाँ हम क्वोशेंट लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए 2 को, तो 2 2 4 होता है, 2 4 8 होता है, ठीक है। अभी भी ये 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो यहाँ 2 से करेंगे, 2 6 12, यहाँ पर 2 9 18, यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, ओके। अभी भी 2 से जा सकता है, तो 2 3 6, ये 9 तो 2 के टेबल से नहीं डिविजिबल होगा, तो 9 को वैसे ही हम लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा 2 6 12। अभी भी 6 2 से डिविजिबल है, इसलिए हमें एक और बार 2 से डिवाइड करना होगा। 3 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 को वैसे ही नोट कर लेंगे, 9 को भी वैसे ही नोट कर लेंगे, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, अभी 3 से हो गया डिविजिबल, तो 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। अभी भी ये 3 से हो सकता है, तो इसे 3 से करेंगे, 1 का 1, 3 1 3 और ये 1। जैसे ही लास्ट में हम देखते हैं हमारे 1 आ जाते हैं, हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 times 2, 1 2 3 4, 4 times 2, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 times 3, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3
16 में जो 16, 16 टू जो 32, 16 सी जा 48, 48 थ्री जा आपको फाइंड करना है। तो 48 थ्री जा मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। 38 जा 8, 3 जा 24, 4 टू कैरी, 3, 4 जा 12, 13, 14, 144 हमारा आ गया। कितना आ गया? 144। यानी कि जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में, कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स, है ना, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन 24, 36, 48 इन ईच रो। यानी कि वो सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स ऐसे होंगे जिनको अगर हम 24 वाले रोज में करें, है ना, तो भी वो एडजस्ट हो जाए 36 और 48 वाले में, तो वो हमारा नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने होने चाहिए? 88 होने चाहिए, सॉरी 144 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 144। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास 24 रोज हैं, कितने रोज हैं? 24 रोज हैं, और हम टोटल हमारे पास सोल्जर्स कितने हैं? 144 हैं, तो इन्हें हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा, इसको डिवाइड करके आप देख लीजिए 24 को। चलिए रुकिए, मैंने डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको। 24 को 144 से डिवाइड करेंगे आप तो कितनी बार में आएगा? 2 6 जो 12 करके देखते हैं, 6 4 जो 24, 2 कैरी, 6 2 जो 12, 13 14। ये देखिए, यानी कि 6 6 करके कितने सोल्जर? 6 6 सोल्जर करके 24 रो में एडजस्ट हो जाएंगे ना। यही तो आपसे पूछा था कि कितने सोल्जर्स होने चाहिए जो अगर हम 24 रो बनाएं तो भी वो पूरे पूरे आ जाए, 36 रो बनाएं तो भी वो पूरे पूरे बन जाए, और अगर हम 48 रो बनाते हैं तो भी वो पूरे पूरे बन जाए, कोई रो खाली ना रहे। तो ऐसे हम कितने टोटल नंबर्स हैं, तो हमने फाइंड कर लिए कि कितने सोल्जर्स होने चाहिए? 144 सोल्जर्स होने चाहिए। अगर आप 24 रो बनाओगे, कितने रो बनाओगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 24 रो बनाओगे तो वहां पर आपको कितने सोल्जर्स रखने पड़ेंगे? यहाँ मैंने डिवाइड करके आपको दिखाया 6 सोल्जर्स, है ना। कितने सोल्जर्स रखने पड़ेंगे? एक रो में 6, दूसरे रो में 6, तीसरे रो में 6। अगर आप 36 रो बनाओगे, कितने रो बनाओगे? 36 रो बनाओगे तो आपको कितने सोल्जर्स रखने पड़ेंगे? तो यहाँ पे 3 2 6 3 4 12, तो यहाँ पे 4 4 आपको सोल्जर्स रखने पड़ेंगे। आप यहाँ 36 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा 4 4 सोल्जर्स, ठीक है, हर रो में कितने सोल्जर्स आएंगे? 4 4। और अगर आप 48 रो बनाओगे तो कितने सोल्जर्स आएंगे? तो यहाँ पर 3 3 सोल्जर्स आएंगे हर रो में, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना था, तो आप क्या बताएंगे कि 144, यानी हमें यहाँ पर एलसीएम लेना था, ठीक है ना। मेन बात हमारे यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर लेना क्या था? एलसीएम फाइंड करना था, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 3 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल द बेल्स विल रिंग टूगेदर। यही क्वेश्चन मैं बताना चाह रही थी आपको कि यही टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन, बल्कि सेम यही क्वेश्चन आपके कभी कभी रिपीट हो जाते हैं कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल, 3 बेल है, कितनी बेल है यहाँ पर? 3 बेल है, ठीक है। वो कितने कितने मिनट पर बजती है? एक बेल है जो हर 10-10 मिनट पर बजती है, ठीक है, हर 10 मिनट पर एक बेल बजती है। और जो दूसरी बेल है, मान लीजिए यहाँ पे मैं बनाती हूँ, 1 ये 2 ये 3 3 बेल है, ठीक है। जो पहली बेल है वो हर 10-10 मिनट के बाद बजती है, हर 10 मिनट के बाद बजती है। और जो दूसरी बेल है वो 20 मिनट्स के बाद बजती है, जैसे 20 मिनट्स हो गया फिर से बज गई, फिर से 20 मिनट हो गया फिर से बज गई, फिर से 20 मिनट हो गया फिर से बज गई, ठीक है। और जो हमारी तीसरी बेल है वो हर 30 मिनट के बाद बजती है, यानी हर आधे घंटे पर, आधा घंटा हुआ तो बज गई, फिर से आधा घंटा हुआ तो बज गई, ठीक है। तो कहा है हाउ मच टाइम ऑल द बेल विल रिंग टूगेदर, मतलब कितने टाइम पर तीनों बेल एक साथ बज जाएंगी, ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिस टाइम पर तीनों बेल, यानी 10 मिनट वाली बेल, 20 मिनट वाली बेल और 30 मिनट वाली बेल एक साथ क्या हो जाएगी? रिंग करने लगेंगी। तो इसका हमें फिर से क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम मल्टीपल फाइंड कर लें कि 10, 20 और 30 का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो उस टाइम पर तीनों ही एक साथ क्या हो करेंगी? बच पड़ेंगी तीनों बेल, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो चलिए फाइंड करते हैं एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 30। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड से, तो कॉमन डिवीजन मेथड से 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 5 10,
टू टेन जर 20, टू वन जर 2, यहाँ 1 बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 5 जर 10। अभी भी 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 2 5 जर 10, ये 15। अभी ये 3 से डिवाइड हो सकता है, आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, पहले आपको 3 से करना है क्योंकि ये 15 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, इसलिए। तो यहाँ 5 का 5 ही रहेगा क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 5 जा 15। यहाँ पर देखिए अब ये 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो हमारा जैसे ही नीचे 1 आता है, मैंने आपको बताया हमारा कम्प्लीट हो जाता है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 3 इंटू 5, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 60 मिनट पर, कितने मिनट पर, 60 मिनट यानी एक घंटा। जैसे ही एक घंटा आएगा, जैसे ही एक घंटा हो जाएगा, तीनों बेल जो हमारी है 10 मिनट वाली, 20 मिनट वाली और 30 मिनट वाली, तीनों एक साथ क्या हो पड़ेंगी, बज पड़ेंगी। पूछिए कैसे, क्योंकि 10 मिनट वाली तो हर 10 मिनट पर बजती है, तो जैसे ही 50 के बाद 60 मिनट आएगा फिर से वो बज जाएगी, है ना। और 20 मिनट वाली बेल हर 20 मिनट पर बजती है, यानी कि जैसे पहले बार बजेगी तो 20 मिनट, दूसरे बार बजेगी 40 मिनट, है ना, और तीसरी बार बजेगी तो 60 मिनट हो जाएगा ना, तो तीसरी बार यानी 60 मिनट पर बज जाएगी। और 30 मिनट वाली बेल यानी आधे घंटे पर, और दूसरी बार बजेगी एक घंटे पर यानी 60 मिनट पर, तो तीनों ही बेल एक साथ किस मिनट पर बज जाएंगी, 60 मिनट पर बच जाएंगी। यानी कि सबसे मेन आपको यही है कि यहाँ पर कई लोग ये नहीं समझ पाते कि हमें एलसीएम फाइंड करना है कि एससीएफ फाइंड करना है, या इसे कैसे फाइंड करना है। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, जिससे हम इसका पता लगा सके, है ना। बच्चों आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आई होगी, हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, थैंक यू।